मैं हूं आशिकीन कुरैशी, आप देख रहे हैं जेपीएन 7 न्यूज। बात अब जनपद अमरोहा पुलिस की, जिसने बरखेड़ा सदात में हुए डबल मर्डर का खुलासा दो युवकों को गिरफ्तार कर उनके ही कातिल होने का दावा किया है, जबकि पुलिस के कमजोर खुलासे की क्षेत्र में काफी चर्चा है, क्योंकि पुलिस के खुलासे में झोल दिखाई दे रहे हैं जिसको मृतकों के परिजन भी हजम नहीं कर पा रहे हैं। थाना नौगावां सदात के अंतर्गत आने वाले ग्राम बरखेड़ा सदात में दिन दहाड़े सास बहू दो महिलाओं की हत्या कर दी गई थी, जिससे क्षेत्र में सनसनीसी फैल गई थी। घटना की जानकारी पाकर जिले के आला अफसरान मौके पर पहुंचे थे। पुलिस ने मृतकों के रिश्तेदार मैंक गुप्ता और उसके दोस्त शिखर विश्नोई को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ जरूर लिया, लेकिन इस खुलासे ने पुलिस की जांच में जो छेद छोड़े हैं वह परिजनों को हजम नहीं हो रहे हैं। जबकि पुलिस ने गिरफ्तार दोनों कातिलों से बैग, लूटा हुआ सामान व आला कत्ल बरामद करने का दावा किया है। डीआईजी मुरादाबाद ने पुलिस टीम को 12,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। जनपद अमरोहा से वामिस मशकूर के साथ आशिकीन कुरैशी की रिपोर्ट। जनपद अमरोहा के थाना नौगावां सादात अंतर्गत बड़खेड़ा सादात ग्राम में एक घटना 13 सितंबर को घटित हुई थी दोपहर के समय, जिसमें एक ही परिवार की सास और बहू दोनों की हत्या कर लूट की घटना कारित की गई थी। उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 302 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा कायम हुआ था। उसके पश्चात एसपी अमरोहा ने अपने निर्देशन में क्राइम ब्रांच के नेतृत्व में टीम का गठन किया था। उनकी टीम ने आज दो अपराधियों को पकड़ा है, जिसमें से एक अपराधी मृतका का ममेरा भाई है और इन दो व्यक्तियों ने मिलकर इस घटना को लूट के उद्देश्य से कारित की थी और प्रतिरोध करने पे दोनों व्यक्तियों की हत्या कर दी थी। लूट किया का जितना भी माल था वो सारा का सारा बरामद कर लिया गया है। हम लोग ये देखेंगे कि इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, आगे लोगों को सजग किया जाए ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए भिन्न प्रकार के सावधानियां का आवश्यकता होगी पुलिस के स्तर पे और सामान्य जनता के स्तर पे भी। जनपद अमरोहा में बलात्कार और हत्या जैसी घटनाओं को ग्राम लगातार बढ़ता जा रहा है, अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? आज से करीब एक वर्ष पूर्व दिल्ली में जो घटना घटित हुई थी, उसके पश्चात पूरे देश भर में देखा गया है कि महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा की घटनाएं होती रही हैं, उसमें पंजीकरण का रेट बहुत बढ़ा है और ये एक अच्छा ट्रेंड है कि लोग जो भी पीड़ित हैं वो सामने आ रहे हैं और घटनाओं को रजिस्टर करा रहे हैं, इसके कारण से अपराधी छुपे नहीं रह पा रहे हैं। उसी पैटर्न के अंतर्गत यहाँ अमरोहा में भी कुछ वृद्धि परिलक्षित हुई है और हम लोग प्रत्येक केस में घटना के रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात अभियुक्तों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई कर रहे हैं और आवश्यकतानुसार उनके विरुद्ध अन्य कार्रवाइयाँ यथा गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, इस प्रकार के कार्रवाइयाँ की जा रही हैं ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो समाज में और दूसरे अन्य लोग इस प्रकार की घटना कारित करने से सहमें। इसको और ज़्यादा एक्टिव बनाने के लिए पुलिस विभाग में और ज़्यादा सुधार करने के लिए आप सबसे क्या करेंगे? विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो तात्कालिक रहती हैं उनको प्रायोरिटी पर रख के और जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है प्रत्येक घटना से हम लोगों को डील करने का, उसको हम लोग क्रियान्वित करने की कोशिश करते हैं और एक टीम बना के इसको कार्य किया जाता है।